जिस तरीके से असम में नवाज को लेकर गाइडलाइन आई है वहां की सरकार की तरफ से। अरे देखिए, हम बार बार कहते हैं ये जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वो सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं और इस तरह का खबरों में रहकर में बना रहना चाहते हैं। और हमने कल भी ट्वीट किया था, ये योगी जी के चाइनीज रेप्लिका है। ये चाहते हैं कि भाई पूरी तरीके से जो है माहौल जो है बिगड़े। वहां योगी जी बुलडोजर चलवा रहे हैं, यहां नवाज जो है बंद करवाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, देश जो है सबों का देश है, अमन चैन शांति होनी चाहिए, लेकिन ये लोग केवल नफरत फैला रहे हैं। यहां बिहार में भी एक एमएलए या मंत्री कूद कूद करके बोल रहे थे कि मुसलमानों का हम जो है वोटिंग का अधिकार छीन लेंगे। हम उसको ठंडा किए, तब से बोला नहीं है कोई। तब ये हम लोगों के रहते हुए कोई भी उनके अधिकार या सम्मान की बात आएगी तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरीके से असम में नवाज को लेकर गाइडलाइन आई है वहां की सरकार की तरफ से। अरे देखिए, हम बार बार कहते हैं ये जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वो सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं और इस तरह का खबरों में रहकर में बना रहना चाहते हैं। और हमने कल भी ट्वीट किया था, ये योगी जी के चाइनीज रेप्लिका है। ये चाहते हैं कि भाई पूरी तरीके से जो है माहौल जो है बिगड़े। वहां योगी जी बुलडोजर चलवा रहे हैं, यहां नवाज जो है बंद करवाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, देश जो है सबों का देश है, अमन चैन शांति होनी चाहिए, लेकिन ये लोग केवल नफरत फैला रहे हैं। यहां बिहार में भी एक एमएलए या मंत्री कूद कूद करके बोल रहे थे कि मुसलमानों का हम जो है वोटिंग का अधिकार छीन लेंगे। हम उसको ठंडा किए, तब से बोला नहीं कोई। तब ये हम लोगों के रहते हुए कोई भी उनके अधिकार या सम्मान की बात आएगी तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरीके से असम में नवाज को लेकर गाइडलाइन आई है वहां की सरकार की तरफ से। अरे देखिए, हम बार बार कहते हैं ये जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वो सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं और इस तरह का खबरों में रहकर में बना रहना चाहते हैं। और हमने कल भी ट्वीट किया था, ये योगी जी के चाइनीज रेप्लिका है। ये चाहते हैं कि भाई पूरी तरीके से जो है माहौल जो है बिगड़े। वहां योगी जी बुलडोजर चलवा रहे हैं, यहां नवाज जो है बंद करवाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, देश जो है सबों का देश है, अमन चैन शांति होनी चाहिए, लेकिन ये लोग केवल नफरत फैला रहे हैं। यहां बिहार में भी एक एमएलए या मंत्री कूद कूद करके बोल रहे थे कि मुसलमानों का हम जो है वोटिंग का अधिकार छीन लेंगे। हम उसको ठंडा किए, तब से बोला नहीं है कोई। तब ये हम लोगों के रहते हुए कोई भी उनके अधिकार या सम्मान की बात आएगी तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।